हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मसाला मूंगफली की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे हम चाय के साथ लेते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट लिखना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मसाला मूंगफली बनाने के लिए हमने 200 ग्राम मूंगफली का दाना लिया है। मूंगफली का दाना एकदम फ्रेश और पौष्टिक होना चाहिए, तभी करारेदार मसाले मूंगफली तैयार होते हैं। तो हम सबसे पहले एक खाली बॉल लेंगे और इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बड़ा चम्मच हो तो 2 चम्मच डालिए, छोटा हो तो 4 चम्मच कर दीजिए। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो आपको ज़्यादा तीखा बनाना है तो मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, यानी कि स्वाद के अनुसार। हमें इसे चटपटा बनाना है तो इसे हम भर भर के 2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जब ये मूंगफली में लिपटे तो सभी मूंगफली में एक समान बेसन लिपटे। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हींग। हींग डालने से ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, डाइजेशन में भी दिक्कत नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं हमने सारे मसाले हींग को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलिए हम मूंगफली तैयार करते हैं। तो अब हम मूंगफली को भिंगा लेंगे। तो इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से ऐसे चला लेंगे। हमें मूंगफली को फूलने नहीं देना है, जस्ट इसके स्किन को गीला करना है। और तुरंत हम दूसरे बॉल पे स्ट्रेनर रखेंगे और मूंगफली को स्ट्रेन कर देंगे। तो ऐसे हम पानी को एक्स्ट्रा गिर जाने देंगे। अब हम इसे एक बॉल में फिर से ट्रांसफर कर लेंगे। हमने मूंगफली को छान लिया है। अब इसमें हमने जो मसाला मिक्स करके रखा है उसे ऐड करेंगे। तो हम 1 चम्मच से थोड़ा थोड़ा मसाला ऐसे डालेंगे और दूसरे चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। हमें इसमें इतना मसाला ऐड करना है कि सभी मूंगफली पे अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अगर आपको ड्राई लगता है तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव कीजिए और फिर से बेसन की छिड़काव करते जाइए। तो अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी मूंगफली के ऊपर। तो हमें अभी मूंगफली ड्राई लग रही है, तो इस पे हम ऐसे हाथ में पानी लेके और हल्का हल्का चारों तरफ डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, गीला नहीं करना है हमें, केवल बेसन चिपकने के लायक हमें इसे गीला करना है। इसके ऊपर से फिर हम ये सूखा बेसन डालेंगे और फिर से इसे हम मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अपनी मूंगफली बेसन में लिपट चुकी है। एक भी मूंगफली का दाना खाली नहीं बचा है। तो बस अब हम इसे रेस्ट करने देंगे। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तेल रख लिया है। गैस ऑन करके हम तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गरम हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए हम एक मूंगफली का दाना छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी तेल जो है ज़रूरत के लायक गरम हो चुकी है। मूंगफली अच्छे से तैर रहा है। तो बस हम इसी तेल में बाकी के सभी दाने डालेंगे। तो हम चम्मच से दाना उठाएंगे और तेल में ऐसे फैलाते हुए छोड़ देंगे। ये बहुत ही टेस्टी मूंगफली नमकीन तैयार होती है। तो एक बार में जितना आ सके उतना हम छोड़ देंगे मूंगफली को। इसे 1 से 1.5 मिनट तक हम अच्छे से सिकने देंगे। हाँ, ध्यान रहे तेल गर्म होने के बाद हम फ्लेम को एकदम मीडियम टू स्लो करके भूनेंगे, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा और नीचे से ये कच्चा रह जाएगा। ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो हमें मीडियम या स्लो फ्लेम पे इसे भूनना है। 1 से 1.5 मिनट फ्राई होने के बाद हम एक बार इसे चला लेंगे और ऐसे ही चलाते हुए हम 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। यानी कि अपनी मूंगफली एकदम कुरकुरी हो जानी चाहिए, तब तक हमें फ्राई करना है। मूंगफली को हमने मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है। आप इसका कलर देखिए और ये कुरकुरी भी हो चुकी है। तो हम छलनी की मदद से एक्स्ट्रा तेल गिराते हुए इसे निकाल लेंगे। एक प्लेट पे हम टिश्यू पेपर रखेंगे और उस पे दाने को ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे एक्स्ट्रा तेल गिराते हुए हम मूंगफली को निकाल लेंगे। ये बहुत ही करारेदार और क्रिस्पी मूंगफली तैयार हुई है। अब हम इसी तेल में दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। तो हम इसमें अब दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं। चम्मच से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और इसे 1.5 से 2 मिनट तक एक साइड से होने के बाद चला लेंगे। चलिए हम एक बार इसे उलट लेते हैं। तो हमें मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही 4 से 5 मिनट तक उलट के फ्राई करना है मूंगफली को। तो आप देख सकते हैं अपनी सेकेंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे हम छानेंगे, एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और इसी प्लेट में हम निकाल लेंगे। मसाला मूंगफली बनकर तैयार है। ये बहुत ही करारेदार और खास्ता होता है। आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसकी खासियत है कि इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के आप कई सप्ताह तक नाश्ते में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।